नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का कृषि जागरण चैनल के इस एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं अरहर की, कौन सी अरहर की नस्ल लगानी चाहिए, किस प्रजाति की अरहर को खेत के मेड़ों पर और खेत में अगर आप बोते हैं तो कैसे करके अच्छी पैदावार आप कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। भारत में अरहर की खेती सबसे ज्यादा की जाने वाली जगह है, जिसमें आपको बता दें कि अरहर दलहन के रूप में बहुत इस्तेमाल होती है। और इस प्रकार से अरहर की खेती अगर आप करते हैं तो कितना लाभ आपको इस खेती के द्वारा हो सकता है, कौन कौन सी किस्म की अरहर आपको बोना चाहिए, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं अरहर की पूरी जानकारी की कि अरहर की खेती क्या लाभ है। अरहर की खेती से अरहर की उन्नत किस्में जो अच्छी उपज देने वाली हैं, इसके लिए आपको पूसा 16, करण अरहर 1, IPL 203, IPL IPH 09, फुलेटी 0012, पूसा 2001, पूसा 2002, पूसा 991, पूसा 992 और पंथ अरहर 291। इस प्रकार से आप कई एक नस्ल की अरहर हैं जिसको आप लगा सकते हैं। एक है पूसा 855, उपास 120, प्रभात बाहर टाइम 21। ये तमाम प्रकार की जो है वो अरहर की किस्में हैं, इसको लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से मौसम में, तो ये जो मौसम चल रहा है ये अरहर लगाने का है। अगर आप नर्सरी तैयार करके अरहर को लगाना चाहते हैं तो आप, बारिश शुरू हो चुकी है, इसके साथ साथ आप थैली में पैक करके उसको, उसकी अलग अलग पेड़ों को नर्सरी तैयार करें, उसके बाद 3-3 फीट की दूरी पर आप जो है अरहर के पेड़ों को लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें पैदावार की, तो किसान भाइयों एक एकड़ में लगभग मान के चलिए 6 से 6.5 क्विंटल तक अरहर की पैदावार हो सकती है। अब इसमें जो बीमारी लगने वाली चीज़ें हैं उसमें कौन कौन सी दवा का डाल के रोकथाम कर सकते हैं, तो अगर फलियाँ खराब हो रही हैं, घुन लग रहा है अगर उनमें, या और भी कई बीमारी लग रही हैं, तो होने वाले समय में बीमारी के हिसाब से और समय के अनुकूल आप उसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं। उसमें कुछ दवाएं हैं, कैराथेन दवा का 1 लीटर तरल 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तेज धूप में छिड़काव ना करें, तेज धूप में अगर छिड़काव करते हैं तो पत्ते उसके मुरझा जाएंगे। अरहर को जो फली है उसको छेदक कीट से जरूर बचाएं, उसमें आपने देखा होगा कि फली में छेद हो जाता है, और इस प्रकार से छेदक कीट जो होता है उसको बचाने के लिए आपको डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए, और उसके बाद में जो भी दवाइयाँ उच्च क्वालिटी की बिकती हैं उसका आप जो है छिड़काव करके और अरहर की फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भाइयों अगर हम बात करें अरहर की खेती की, तो अरहर की खेती यहाँ तक कहा जाता है कि इसको एक बार लगा के 203 दो या तीन साल तक इसका उत्पादन आप आराम से ले सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दालों में अरहर का अपना एक अलग स्थान है, और इस प्रकार से दाल की जो अरहर की दाल है, अरहर के दलहन में एक इसका अच्छा स्थान बना हुआ है, और इसके लिए इसकी मार्केट में कीमत भी अच्छी खासी है। अगर इस सीजन में आप अरहर की खेती करते हैं और अरहर की खेती करके आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये सीज़न आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है, और यही सीज़न है जो कि आप अरहर की खेती करके और अच्छा खासा पैदावार कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको मुनाफा भी हो सकता है। बात करें किसान भाइयों मिट्टी की, तो इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी, मध्यम भारी प्रचुर और स्फुर वाली भूमि चाहिए, जिसको आप पानी की निकासी हो। अरहर बोने के लिए उपयुक्त खेत 203 बार हल चलाकर तैयार कर लेना चाहिए, खेत से खरपतवार को मुक्त कर देना चाहिए, पानी की जो जल निकासी है वो उचित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि अगर जल का भराव हो रहा है तो बारिश के समय में अरहर के पेड़ सूख जाएंगे और अरहर की फसल को काफी नुकसान हो सकता है। अब हम बात करें कि नर्सरी कैसे तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के लिए 25 से 30 दिन का समय लगता है। बारिश के मौसम में अंतिम चरण में खेत को तैयार करके थैलियों में भर के इस प्रकार से नर्सरी की रुपाई करके और लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर आप पौधे का पौधा रोपण कर सकते हैं। इस विधि से आप अगर रुपाई करेंगे तो फिर आपकी जो है वो पैदावार भी अधिक बढ़ सकती है। मंडी में अरहर की दाल का जो रेट है, अरहर का रेट है वो लगभग 8 से 8.5 हज़ार 9 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहता है। इस प्रकार से मार्केट में दाल 100 से 120 रुपये किलो आराम से बिक जाती है।